हेलो फ्रेंड्स, रितुस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों के मौसम की ट्रेडिशनल बाजरे तिल के टिक्के। ये टिक्के बहुत क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर हैं और सर्दियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं बाजरे तिल के टिक्के। हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम 2/3 कप गुड़ डालेंगे। इतना ही हम पानी लेंगे। और इसका हमें गुड़ का सिरप बनाना है। सबसे पहले देखिए सिरप तैयार है, सारा गुड़ मेल्ट हो गया। हमें और इससे ज्यादा नहीं, इसे गाढ़ा नहीं करना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने रख देंगे। हमने जो गुड़ का सिरप बनाया था इसे हम छान लेते हैं। हमने ये छान लिया है, अभी थोड़ा गर्म है, इसे और ठंडा होने रखते हैं। अभी हमने एक परात ले ली है और ये चलनी रख दी है। ये हमने बाजरे का आटा लिया है, 2 कप आटा लेंगे हम। इसे छान लेते हैं, पहले 1 कप को छान लेंगे। एक कप आटा और लेंगे, ये हो गया टोटल 2 कप आटा बाजरे का। इसे भी छान लेंगे हम। आटा छान लिया है, अब हमने ये 1/2 कप तिल लिए हैं, ये सफेद तिल है, ये भी इसमें मिला देंगे। इसे आटे में मिक्स कर देंगे और जो हमने गुड़ का सिरप बनाया था उससे हम ये आटा गूंदेंगे। ये सिरप हल्का गर्म है, इसी से गूंदेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके हम आटे में पानी मिलाएंगे ये गुड़ वाला, और इसे एक डो बनाएंगे इसका हम। देखिए डो ज्यादा पतला नहीं बनाना है हमें। हमने सारा सिरप यूज कर लिया 2 कप आटे में। देखिए डो तैयार हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम तेल को गरम करने रख देते हैं। तेल गरम होने रख दिया है हमने गैस पे, तेल अभी गरम नहीं हुआ, हल्का गरम है। तब तक हम बाजरे के आटे की टिक्कियां बना लेते हैं। सबसे पहले हाथ पे हम तेल लगाएंगे ताकि हमारे हाथ पे ये चिपके नहीं आटा। हमने इतनी लोई ली है, अब हम इसे हाथ से ही फ्लैट करेंगे। देखिए ये जो इसके क्रैक आएंगे उसे आप ऐसे बंद करते रहिए। देखिए तैयार है, हमें इतनी बड़ी बड़ी बनानी है ये, ऐसे ही हम और बना लेते हैं। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम छोटा सा ये आटे का वो डालेंगे बॉल। तेल गरम है, हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। अब हमने जो बाजरे की टिक्कियां बनाई थी वो हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे खस्ता फ्राई करना है। देखिए अब हम इसे पलट देते हैं। अब हम इसे दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए दोनों साइड से ये हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसमें हम और डालेंगे,
देखिए बाजरे तिल के टिक्के तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी तैयार हुए हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं और आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। और आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।